हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि DA 46% अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जिसका कि घोषणा अब जनवरी में फिर से करना है। जो कि आपको पता है, साल में DA दो बार अनाउंस किया जाता है, एक बार जनवरी और एक बार जुलाई में। तो जो कि जनवरी का DA का घोषणा है वो प्रायः मार्च के महीने में किया जाता है, लेकिन अभी इलेक्शन का टाइम है और आचार संहिता वगैरह सब लग जाएगा, इसके वजह से हो सकता है कि फरवरी में अनाउंस किया जाए DA का। तो जो कि पूरा उम्मीद है कि DA 50% होगा, जो अभी 46 पे है वो 4% बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अभी वैसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 50% हो गया, उसका अनाउंस मार्च में होता है, लेकिन इस बार उम्मीद है फरवरी में होगा। तो अगर DA आपका 50% होता है तो आपको क्या सब बेनिफिट मिलने वाला है, तो आइए हम उस टॉपिक पे आज चर्चा करते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही एक मोटिवेशन मिलेगा आपको जान के कि सैलरी में आपका कितना इम्प्रूवमेंट लगने वाला है, अभी क्या कितनी सैलरी मिलती है और आपको फिर कितना का डिफरेंस दिखेगा। ये सारी बातें आपको जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि अभी आपको पता है DA 46% है, तो अब 50% होने वाले। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन सा अलाउंस बढ़ने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड ईयरनेस अलाउंस फ्रॉम जनवरी 2024 कैलकुलेटर। सभी को उम्मीद है कि DA 50% जनवरी में हो जाएगा। तो कौन सा अलाउंस बढ़ेगा देखते हैं। अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, हो सकता है कि 8th पे कमीशन आए या नहीं भी आए, ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी 7th पे चल रहा है। तो अलाउंस कौन सा बढ़ेगा इस पे बात करते हैं हम लोग। फिलहाल हाउस रेंट अलाउंस आपका बढ़ने वाला है, चिल्ड्रेन एडुकेशन लोन आपका बढ़ने वाला है, माफ़ कीजिएगा, चिल्ड्रेन एडुकेशन अलाउंस बढ़ने वाला है, लोन नहीं। उसके बाद आपका स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर ये बढ़ने वाला है, हॉस्टल सब्सिडी ये बढ़ने वाला है, TA ऑन ट्रांसफ़र ये बढ़ने वाला है। उसके बाद आपका ग्रेचुटी सेलिंग ये बढ़ने वाला है, ड्रेस अलाउंस ये बढ़ने वाला है, माइलेज अलाउंस फॉर ऑन ट्रांसपोर्ट ये बढ़ने वाला है, डेली अलाउंस ये बढ़ने वाला है। अगर आप रेलवे के कर्मचारी हैं तो इसके सिवा दो अलाउंस आपका और बढ़ने वाला है। आपको पता है एक NH दिया जाता है रेलवे में, आपका NH बढ़ने वाला है और आपका एक TA दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन काम करने जाते हैं, अगर उसकी दूरी 8 किलोमीटर्स होती है तो उसके एवज में आपको पे किया जाता है पैसा, तो वो TA भी आपका बढ़ने वाला है। तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि TA और NH आपका कितना बढ़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि कितना कितना परसेंट क्या बढ़ने वाला है। पहला टॉपिक हम देखते हैं हाउस रेंट अलाउंस कितना बढ़ने वाला है। अभी के समय में हाउस रेंट अलाउंस जो आपका है वो तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एक्स, वाई और जेड, तीन कैटेगरी में आपका बांटा गया है। एक्स कैटेगरी वाले को 9% मिलता है हाउस रेंट, वाई कैटेगरी वाले को 18% और जेड कैटेगरी वाले को 27% मिलता है। तो अभी अगर 50% DA हो जाता है तो आपका जो अलाउंस है वो बढ़ के हो जाएगा, एक्स सिटी वाले का हो जाएगा 30%, वाई सिटी वाले का 20%, जेड सिटी वाले का 10%। हालांकि अगर आप अभी देखेंगे तो हाउस रेंट किसी को भी 1800 से कम नहीं मिलता है 10% वाले को, और 3600 से कम नहीं मिलता है वाई सिटी वाले को, और 5400 से कम नहीं मिलता है एक्स सिटी वाले को। सरकार का ये कहना है कि किसी का भी हाउस रेंट जो है वो 10% से कम नहीं मिलेगा, मतलब मिनिमम जो है वो 10% मिलना चाहिए, लेकिन ये जो है अभी आपका 9% 18% और 27% है, लेकिन कम से कम 10% दिया जाता है, इसीलिए आपका वो रेंट जो है 1800 3600 और 5400 दिया जाता है। जैसे अभी इंक्रीमेंट हम लोगों का 500 का लगेगा इस महीने, 3% बेसिक में लगता है, 18500 हो जाएगा, उसका 10% आप निकालिएगा तो 1850 रुपया होता है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग को HRA 9% ही मिलता है, इसलिए 1800 ही रेंट मिलेगा इस बार भी हम लोग को। लेकिन अगर ये DA 50% क्रॉस हो जाता है, 10% HRA मिलेगा, तो फिर हम लोग को 1850 रुपया अलाउंस मिलने लगेगा। तो फिलहाल डिफरेंस इतना ही है। आइए दूसरा अलाउंस देखते हैं हम लोग, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस जो अभी है आपको वो 2250 रुपये पर मंथ मिल रहा है प्रेजेंट रेट में। अगर DA 50% हो जाएगा तो ये 2812 रुपया 50 पैसे आपको पर मंथ मिलेगा। ये है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। अगर
आपके यहाँ दिव्यांग छात्र है, दिव्यांग के लिए अलग से दिया जाता है पैसा, एक्स्ट्रा पैसा उनको मिलता है। तो अभी जो प्रेजेंट रेट में है दिव्यांग का, वो आप देखिएगा, उनको 4500 पर मंथ मिलता है अभी, जो कि डीए 50% होने के बाद वो 5625 रुपया मिलेगा। उसके बाद हॉस्टल सब्सिडी जो है अभी आपका 6750 रुपया पर मंथ मिलता है, जो कि डीए 50% हो जाने के बाद वो 8437 रुपया और 50 पैसे मिलेगा। उसके बाद आपको ग्रेचुटी सेलिंग जो है वो अभी 20 लाख है, प्रेजेंट टाइम में 20 लाख मिलता है मैक्सिमम ग्रेचुटी सेलिंग आपका जो है वो 20 लाख मिलता है, जो कि 50% डीए होने के बाद वो 25 लाख हो जाएगा। उसके बाद आप ड्रेस अलाउंस में जब आप आएंगे, तो ड्रेस अलाउंस में देखिए सबका अलग अलग कैटेगरी बांटा गया है किसको कितना ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के लिए है, जिनको 27,800 रुपया ड्रेस अलाउंस प्रेजेंट टाइम में मिलता है, ये ईयर में एक बार मिलता है, जो कि बढ़ के 34,750 हो जाएगा। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी नॉन ऑपरेशनल, इनको 21,225 मिलता है, जो 26,531 हो जाएगा। और आप नीचे आ जाएंगे तो आपको इधर दिखेगा ऑफिसर ऑफ आर्मी, आईएएफ, नेवी, सीएपीएफ, सीपीओज, आरपीएफ, आरपीएसएफ, आईपीएस, कोस्ट गार्ड, इनको अभी 20,000 मिलता है, जो कि बढ़ के 25,000 हो जाएगा। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा एक्सिक्यूटिव स्टाफ ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ETC, जिनको अभी 10,000 मिलता है, जो बढ़ के 12,500 मिलेगा। अदर कैटेगरीज ऑफ स्टाफ, जिसको 5,000 मिलता है, बढ़ के 6250 हो जाएगा। इसमें ग्रुप डी वाले भी आते हैं और लेवल 2-3 तक 5,000 ही मिलता है, 4-5-6 से आपको 10,000 मिलने लगता है, जो इस वाले कैटेगरी में आते हैं। अभी आपको इधर कैटेगरी दिख रहा होगा, ये लेवल 4 से इस वाले कैटेगरी में आते हैं, जिनको 10,000 मिलता था पर ईयर ड्रेस के लिए, अब उनको बढ़ के 12,500 मिलेगा। ग्रुप डी वाले को 50,000 मिलता था, जो अब 6250 मिलेगा। नर्स को 1800 मिलता है पर मंथ, जिसको अब 2250 मिलेगा पर मंथ के हिसाब से, नर्स को मंथ के हिसाब से दिया जाता है और सबों को ईयर में एक बार दिया जाता है। उसके बाद TA ऑन ट्रांसफ़र देखेंगे आप, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफ़ेक्ट्स, अगर आप पर्सनल इफ़ेक्ट्स के वजह से अगर आपका कहीं ये ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसका भी एक वो है अलाउंस है, जो कि ये यहाँ दिया गया है सारा अलाउंस, ये लेवल दिया गया है 12 एंड अबव, 6 एंड अबव, लेवल 5, 4 एंड बिलो वाले का इतना रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से दिया जाता है, जो कि अब बढ़ के इतना हो गया है। आप आएंगे तो फिर माइलेज अलाउंस फॉर ऑन ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट का ही है, ये सारा आपका अलाउंस बढ़ जाएगा इधर जब आप देखेंगे तो। उसके बाद आपका रेलवे के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार का आपका फिर से दो एनएच और क्या था, एक आपका एनएच बढ़ेगा रेलवे वाले का, एनएच और टीए। एनएच जो अभी ग्रुप डी वाले को मिल रहा है वो 384 रुपया मिल रहा है, जिसमें कि 25% का इंक्रीमेंट लगेगा अगर डीए 50% हो जाता है तो। उसके बाद ये एनएच आपको मिलेगा। उसके बाद टीए, जो अभी आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाके काम करते हैं, अगर उसकी दूरी 8 किलोमीटर होता है, तो जो अभी 500 रुपया मिल रहा है उसमें भी 25% का इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो ये हुआ रेलवे का और पूरा हुआ ये सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।